हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति स्पाइसी टेबल। तो आज स्वाति आपके साथ लेके आई है रेस्टोरेंट स्टाइल केजन्स पटैटो। घर में बहुत इजी तरीके से आज हम इसे बनाएंगे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनाएंगे और दोस्तों ये बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ज़्यादातर हम इसे बारबेक्यू में ही खाते हैं तो आज हम इसे घर पर बनाते हैं बहुत ही फटाफट से। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा किलो पटैटो, ये बिल्कुल अभी कच्चे हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही छोटे यानी जो स्मॉल पटैटो आते हैं उसका यूज़ किया है। इसमें स्मॉल पटैटो ही यूज़ करिएगा क्योंकि बड़े आलूओं को आपको बीच में से कट करके डालना पड़ेगा तो उतनी अच्छे से आपकी ये रेसिपी नहीं बन पाएगी। और अब मैं यहाँ पे आधा ग्लास पानी ऐड करके इसकी 3 विसिल लगा लेती हूँ यानी आलू को बॉईल कर लेती हूँ। आलू काफ़ी अच्छे से बॉईल भी हो गए हैं और थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं। अब अपने पाम यानी हथेली की सहायता से मैं इसको ऐसे पुश करूँगी जिससे आलू काफ़ी अच्छे से दब जाएगा। अगर आप हथेली की सहायता से इसे नहीं मैश करना चाहते तो आप इसे मैशर पटैटो से भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैशर आता है पटैटो का। और ये देखिए काफ़ी इजीली ये मैश हो जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको पुश करना है, दबाना है यानी। अब स्लरी बना लेते हैं इसकी। तो स्लरी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच क्रॉर्न फ्लोर, 2 चम्मच मैदा, चुटकी भर यहाँ पे सॉल्ट ले रही हूँ, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसकी एक स्लरी बना लेती हूँ। स्लरी को ज़्यादा पतला नहीं करना, थिक ही रखना है क्योंकि जो ऊपर से आलूओं में आप कोट करेंगे तो काफ़ी इजीली अच्छे से कोट हो पाए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची का पाउडर। अगर आपके पास सही है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें सफ़ेद मिर्ची या फिर चिली फ्लेक्स की मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन रखा था और उसमें ऑयल ऐड कर दिया है आलूओं को फ्राई करने के लिए। तो स्लरी को हम आलूओं में ऐसे डिप करेंगे और डिप करके हम तेल में छोड़ते जाएंगे। ये देखिए सारे आलू मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और ये काफ़ी अच्छे से मैं 5 से 6 मिनट में से एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने दूंगी, तभी मैं इसका साइड को चेंज करूँगी ताकि ये दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो जाए। जब तक आलू अच्छे से होए नहीं तब तक आपको उसको पलटना नहीं है दोस्तों। एक तरफ से अच्छे से 3 से 4 मिनट में फ्राई होने दीजिएगा, उसके बाद में आप इसे पलट दीजिएगा, इसकी साइड को चेंज कर दीजिएगा ताकि इसमें एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ सके। तो ये देखिए आलू जब तक हो रहे हैं हम इसकी सॉसेस तैयार कर लेते हैं। तो ऊपर से जो हम सॉसेस सर्व करेंगे इसके लिए हम यहाँ ले रहे हैं 3 चम्मच बड़े मेयोनीज, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 ही चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है चिली सॉस। अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है तो आप इसकी जगह टमाटो केचप भी ले सकते हैं और चिली फ्लेक्स की मात्रा थोड़ा सा इसमें भी बढ़ा सकते हैं। ये सॉसेस बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होती, हल्की सी मीठी रहती है, तो आप परेशान मत होइएगा। बच्चों को भी इसको बहुत ही ईजिली बना के दे सकते हैं। थोड़ा सा मुझे सॉसेस बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी तो इसे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में डालने के लिए मैं यहाँ पर 3 चम्मच मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर का मिल्क था तो यहाँ पर मैंने इसे ऐड करा है ताकि जो सॉसेज है वो एक अच्छे से फॉर्म में आ सके, क्योंकि ऊपर से हमें आलूओं पे स्प्रेड करना है तो स्प्रेड अच्छे से हो पाए। ये देखिए आलू भी काफ़ी अच्छे से 3 से 4 मिनट में दूसरी साइड से भी हो गए हैं और काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इसको एक्सेस ऑयल निकाल लेती हूँ और इसको एक टिश्यू पेपर या प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये आलू काफ़ी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और ये कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए क्रिस्पी ऐसे ही रहेंगे। तो चलते हैं अब इसके सर्विंग के लिए और हम यहाँ पे एक प्लेटिंग के लिए लेंगे एक प्लेट और आलू को काफ़ी अच्छे से उस पर सेट कर देंगे। ऊपर से हम डाल रहे हैं सॉसेस जो हमने बना के घर में तैयार की है और ये देखिए इसको काफ़ी अच्छे से मैं आलू पे स्प्रेड कर दूँगी, बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही है आपको सॉस तो आप इसमें 1 चम्मच मिल्क और ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हो गया है। ऊपर से मैं अब बारीक कटा हुआ प्याज यानी हल्का कटा हुआ मैंने प्याज लिया है यहाँ पे, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और ऊपर से मैं अभी यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा सा चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स यहाँ पर गार्लिक मिला हुआ है तो अगर आपके पास गार्लिक का पाउडर नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स में 5 से 6 लहसुन को दरदरा सुखा कर कूट के पीस सकती हैं। तो ये देखिए प्लेटिंग हो चुकी है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी ये ईजी सी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। आपके साथ मैं इसी तरह की आसान रेसिपी शेयर करती रहूँगी दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।